पिंडारी जाने के लिए वैसे दो रूट है, ये है पिंडारी ग्लेशियर वाला रूट। नाम की भाई? नाम दिशान सिंह। लोहार खेत में इंटर करते हुए अब गांव वाला फील आ रहा है, और इस रूट में चलाने में मेरी ऐसी हालत खराब हो रही ना मैं बता नहीं सकती। बताया कि जो चौड़ा स्थल है वो थोड़ा सा आगे है। हमारी चाय और मैगी आ चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और मैं आज घर से जल्दी निकल गई थी क्योंकि मुझे आज भराड़ी जाना था। भराड़ी मेरा कुछ काम था, अपना पर्सनल काम था, और उसके बाद काम वाम निपटाने के बाद मेरा यहाँ पे थोड़ा सा घूमने का प्लान बना। तो अभी डिसाइड हुआ कि अभी हम लोहार खेत जा रहे हैं, और यहाँ से अभी ऊपर को जो रोड जा रही है वो जाएगी शामा को, और जो नीचे को जा रही है ये पिंडारी ग्लेशियर वाली रोड है। तो अभी हम रीठा बगड़ पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग नाश्ता ढूंढ रहे थे बट नाश्ता मिला नहीं। तो भराड़ी से मैं निकली थी लोहार खेत के लिए, फिर सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने सोचा कि यहाँ पे कर लेंगे रीठा बगड़ पे, बट यहाँ पे कुछ बना नहीं है क्योंकि आज संडे है ना। तो अभी आगे चलते हैं, आगे चल कर देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है, तो आगे खाएंगे। ठीक है, यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा ना, नदी का भी और साथ में पहाड़ का भी। ऊपर से मौसम इतना प्यारा है, पूरे बादल बादल छा रखे हैं। अभी मैं पहुंची हूँ दुलम, और यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है। अच्छा लगाए हैं? कहाँ? नीचे खेतों में। ये जो इस तरफ का आपको गांव दिख रहा है ना, ये दुलम है, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है, और बहुत यहाँ से सेल भी की जाती है, और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है। हम पिछली बार आए थे ना यहाँ पे जब पैराग्लाइडिंग हुई थी। अब दुलम से मैं जाऊँगी लोहार खेत की तरफ को, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। फिलहाल मैंने अपने लिए कुछ फल कैरी कर लिए हैं, और चलते हैं। इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है यहाँ पर रूट। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सॉन्ग, और गाड़ी चलाते चलाते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और यहाँ पे ये पहाड़ियों के बीच में प्यारा सा मकान बनाया है। अब मुझे नहीं पता ये मकान है या किसी मैंने गेस्ट हाउस के पर्पज़ से बनाया है या होम स्टे है, ये तो नहीं पता, बट लग बहुत प्यारा है। यहाँ पे हमें अंकल जी मिले हैं, और ये हमें खिलाएंगे अब दाल भात। नाम की भाई? नाम बिशन सिंह। बिशन सिंह जी हैं ये, और दाल भात बनाई है उनने, और वो भी प्योर चूल्हे में बनाई है। मज़ा ही आ जाएगा अभी खाने में। नाश्ता करने का मूड था लेकिन नाश्ता तो कुछ है नहीं, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया तो खाना ही खा लेते हैं। हाँ वही, खाना ही खा लेते हैं। अब खाना खाने के बाद जो है ना वो अलग ही लेवल की ताकत आ रही है अभी, मतलब अच्छा फील हो रहा है। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी ना ऊपर, वो मकान जैसा, वो मकान या घर वगैरह नहीं है, वो TRC का गेस्ट हाउस टाइप का है, मतलब थोड़ी देर के स्टे के लिए है शायद वो, बट अभी उसका ज़्यादा यूज होता नहीं है। और यहाँ पे जो अंकल जी ने हमें खाना खिलाया था इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और मसूर की दाल और हरी सब्जी और चावल था यहाँ पे। और मसूर की दाल मैंने आई थिंक बहुत टाइम बाद खाई है, जब हम लोग गाँव में रहते थे तब खाते थे, वहाँ पे मसूर बहुत ज़्यादा होता था तो वहाँ पे खाते थे। यहाँ बागेश्वर आने के बाद तो मैंने बहुत कम खाई मसूर की दाल, और आज खाई तो अच्छा लगा, टेस्टी लगा। चलो फिर आप आगे के सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी हम मुनार पहुँच चुके हैं, और मुनार की खासियत ये है कि यहाँ पे मडवे के बिस्किट बनते हैं, और जो मडवे के बिस्किट हैं उनका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में भी लिया था, तो तब से मुनार के जो मडवे के बिस्किट हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं, और बाहर बाहर तक वो मतलब बाहर के राज्यों में भी सप्लाई होते हैं। ये जगह सीरियसली इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, मतलब आप बिना प्लान के भी इस जगह पे मतलब ऐसे ही टहलते रहते हो ना तो तब भी आपको पूरे नेचर का फील आएगा, और बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपका काम से माइंड थोड़ा सा ओवरलोड हो गया है, रिफ्रेश करना चाहते हो अपने माइंड को,
तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कपकोट भराड़ी के बाद ये वाली जगह सॉन्ग वाली जगह और ये जो पिंडारी वाला रूट है ये सबसे बेस्ट रूट है और मेनली ये जगह जो है कपकोट में आती है। यहाँ से रोड थोड़ा बहुत ख़राब है, ख़राब ही मतलब लगभग, और ये नदी है नीचे की तरफ को, पेड़ों की वजह से कम दिख रही है, और ये रास्ता है और ये सामने पर छोटा सा झरना है यहाँ पे, और नीचे नदी है, ऊपर यहाँ पे रोड में ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो इनके साथ रहना और राइड करना मतलब एक नेक्स्ट लेवल का फील है अगर आपको एडवेंचर पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है तो। और यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल है, ऊपर से पानी आ रहा है, इसमें वाटरफॉल तो नहीं कह सकते बट ये नेचुरल रिसोर्स है और आते जाते लोग इसका पानी पीते होंगे। यहाँ से पूरा वो वाला एरिया दिख रहा है जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था, और ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट था, ये लैंडस्लाइड हो रखा है और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था। लोहार खेत में इंटर करते ही अब गांव वाला फील आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये नहीं पता मुझे आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है, लेकिन चल के देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है चलो। यहाँ से हम लोग आए हैं और ये रोड है और रोड के नीचे इतने बड़े बड़े खाइयाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ, और इनके ऊपर से रोड है और फिर रोडों के ऊपर से भी पहाड़ है। सीरियसली बहुत डेंजरस वाला फील है राइडिंग करने में। यहाँ पे रोड के ऊपर इतने तगड़े तगड़े पहाड़ हैं और रोड के नीचे इतनी तगड़ी खाइयाँ हैं, और मेरे को आदत है सिर्फ मार्केट में चलाने की, और इस रोड में चलाने में मेरी ऐसी हालत ख़राब हो रही ना मैं बता नहीं सकती। ये है पिंडारी ग्लेशियर वाला रूट। बागेश्वर से पहले आप सॉन्ग आएंगे, सॉन्ग से लोहार खेत, लोहार खेत से झाकुड़ी जाएंगे, झाकुड़ी से आप खाती जाएंगे, खाती से आप द्वाली जाएंगे, द्वाली से फुरकिया जाएंगे, फिर उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर आता है। पिंडारी जाने के लिए वैसे दो रूट है, दीदी ने बताया मुझे अभी, एक तो यहाँ से जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, इस जगह का नाम क्या बताया, खलीधार, खलीधार एक यहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक है पिंडारी का, और खाती गांव से शायद कमी है, कितना किलोमीटर है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। वैसे मैंने ये ट्रैक किए नहीं है अभी, खाती गांव तो मैं गई हुई हूँ, पिछली बार गई थी, लेकिन ये ट्रैक करने का मेरा बहुत मन था, लेकिन उस तरीके का अभी प्लान नहीं बन रहा है और ना ही बजट बन पा रहा है उस तरीके का, तो करेंगे कभी ना कभी फ्यूचर में। अभी तो फ़िलहाल हमारा प्लान यहीं तक आने का था, और यहाँ पर तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, देखते हैं कि रुकने खाने का क्या है यहाँ पे और आगे किस तरीके से प्लान रहता है। ठीक है चलो। तो वहाँ से आगे आने के बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो है वो TRC लोहार खेत यहाँ पर है, अभी ऊपर चल के देखते हैं, ये रास्ता है और ये रोड है, और व्यू तो सीरियसली बहुत प्यारा आ रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा। तभी मेरे को अभी दीदी बोल रही थी अगर तेरे को पिंडारी ले जा दिया जाए और वहाँ का ट्रैक करा दिया जाए तो पागल ही हो जाएगी कह रही थी मे भी हो सकता है। तो ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाकर देखते हैं कि किस तरीके का रूम रहने वाले हैं यहाँ पे, और हमें पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। और मौसम भी बहुत प्यारा है एक तरीके से देखा जाए ना, मुझे लग रहा है और लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। ये है TRC, कुछ इस तरीके का लुक है। TRC तो मिल गया फिलहाल, और यहाँ पे जो अंकल जी हैं उनसे बोला है अभी हमने कि रूम दिखा दे, ये रूम देखते हैं कैसा है।
ऐसा कुछ है रूम का लुक। तो अंकल जी ने रूम भी खोल दिया है और ये वाला रूम है और ठीक है रूम अभी। और अब रात के खाने का नॉन वेज तो नहीं मिल पाएगा कह रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या कुछ बनाते हैं। ये मैं हूँ बट मैं इतनी साफ नहीं दिख रही अभी। अब व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से, ये व्यू है लोहार खेत वाले टीआरसी से, नीचे गांव दिख रहा और ये चारों तरफ पहाड़ है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं तो रूम पे जाके लेट गई थी और फिर अभी देखा यहाँ पे बहुत प्यारी धूप आई है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और एक दो पेड़ हैं यहाँ पे और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, फीलिंग गुड। और बेसिकली जो ये टीआरसी है यहाँ पे, इसको बनाया इसलिए गया कि जो लोग पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक करेंगे उनका यहाँ पे स्टे के लिए, क्योंकि यहाँ से ही जो है वो पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे जो बागेश्वर के अंदर टूरिज्म के लिए जो प्लेस है उनका यहाँ पे डिटेल दे रखा है। लोहार खेत से बागनाथ जो है 43 किलोमीटर है, गौरी उडियार 49 किमी है, कांडा जो है 57 है, बैजनाथ 62 है और कौसानी 79 है। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग तो रेस्ट करने लग गए थे, लेकिन जो यहाँ के अंकल जी उन्होंने हमें बताया कि जो चौड़ा स्थल है वो थोड़ा सा आगे है, तो अभी देखते हैं अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। फिलहाल सामने से बारिश भी आने लग गई है, बारिश हो तो कुछ भी हो सकता है। घूम के ये पहाड़ी के ऊपर से जाना पड़ेगा और ये सामने बारिश आने लग गई है। ये 3 किलोमीटर जैसा तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है अभी। और यहाँ पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल बारिश आने का मौसम हो रहा है। तो दीदी ने आधे रास्ते में आके गाड़ी वापस टर्न कर दिया। ये सामने मतलब बिल्कुल ऐसा बादल बने हैं ना, ये सामने जो नीचे साइड को आपको हल्का हल्का धुंधला सा दिख रहा है ना, वो बादल नहीं है, वो बारिश आ रही है। और बारिश जो है ये जो लास्ट वाला इधर वाला पहाड़ दिख रहा है यहाँ तक पहुँच चुकी है और हम यहाँ पे रोड में हैं अभी। और मौसम कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, मौसम तो बहुत प्यारा है बट थोड़ा सा बारिश टाइम टाइम पे हो जा रही है, तो भीगने का मन नहीं है अभी, इस वजह से नीचे साइड को चलते हैं अब। और यहाँ से पूरे पहाड़ों के ऊपर अब जो है ना बादल आ चुके हैं, तो ये बादल दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ पे जब हम आगे रुके हुए थे ना, तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में टीआरसी है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। बादलों के गरजने की आवाज़ और हर 2 मिनट में गरज रहे हैं यहाँ पे बादल। और ऊपर जो ये टॉप में टावर दिख रहे हैं ना, हमें यहाँ जाना था, चौड़ा स्थल इधर है, लेकिन बारिश की वजह से अब नहीं जा पाएंगे। और व्यू कुछ इस तरीके का यहाँ से, जब हम लोग ऊपर गए थे ना इतना बड़ा जोंक लगा था मेरे पैर में, मैं कह रही खुजली क्यों लग रही, यहाँ देखा जोंक था। वहाँ से हमारा नीचे आने का प्लान सही था, क्योंकि जैसे ही हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और ये कपड़े पूरे भीग गए हैं मेरे। और कपड़े भीगने के बाद भी मैं बड़ी आराम से बैठी, क्योंकि ये बारिश को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मौसम कुछ इस तरीके का है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, और बादल पूरी तरीके से, पहले जब मैंने पहले दिखाया था आपको तो बादल पहाड़ों पे थे, लेकिन अभी जो है बादल पूरे नीचे आ चुके हैं और बारिश भी तेज़ हो ही रही है अभी फिलहाल। जब से हम लोग आए हैं ना तब से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है,
थोड़ा सा कम हो रही थी, तो फिर बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही। अभी थोड़ा सा कम हुई थी तो बाहर पे बैठ गई मैं, फिर उसके बाद फिर बढ़ने लगी। अभी तो हमने अंकल जी को चाय और मैगी के लिए बोला है। अभी यहाँ पे काम करने के लिए कुछ था नहीं क्योंकि नेटवर्क तो आ नहीं रहे यहाँ पे। और दूसरी चीज़, दूसरे वाले फ़ोन में मूवी पड़ी थी तो मैंने कहा एक मूवी देख लेते हैं, मूवी देख लेती हूँ अभी। तो यहाँ पर हमारी मैगी आ चुकी है और मैगी के साथ में चाय है। और बारिश में ऊपर से फिर पहाड़ हो तो चाय और मैगी का अपना अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म डिनर आ चुका है और डिनर में है लौकी की सब्जी, दाल, रोटी और चावल भी है यहाँ पे। शुरू करें मैडम। और अच्छा था आज का ट्रिप, ऑलमोस्ट जितना भी था मैंने कोशिश करी कि उसको कवर कर पाऊँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिप कैसा लगा। और मानती हूँ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कमी होंगी ट्रिप में, क्योंकि मैं खुद राइड कर रही थी तो इस वजह से सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाई। फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे काम के साथ साथ आप लोगों के लिए भी वीडियो बन जाए। सो आज भी मैंने वही कोशिश की। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।